नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार गुप्ता आज हेल्थ वर्कर होने के नाते आप सभी के बीच में हेल्थ रिलेटेड जानकारी आपके बीच में साझा करते आ रहे हैं और आपको बताते आ रहे हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, आपके हेल्थ रिलेटेड आप हेल्थ को अपना बेटर बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी आपके बीच में साझा किया जाता है इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आउट। तो चलिए, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अपने लाइफ को इन्जॉय कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर बता दें आपके बीच में एक नई जानकारी लेके आने वाले हैं जिसके लिए आप लोग शौक में पड़ जाएगा, चौंका देने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जाहिर सी बात है कि कभी कभी ऐसा आप फील करते होंगे लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि क्यों हो रहा है, तो चलिए आज जानकारी देंगे आज दोस्तों आपके बीच में कि संभोग से पहले ए से ए ना खाएं, यानी क्या क्या ना खाएं। अगर बात करना चाहेंगे दोस्तों कि संभोग यानी संभोग कहना चाहेंगे तो आप सेक्स ड्यूरेशन, जी हाँ, अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हैं तो उस टाइम अगर उसके पहले आप क्या क्या खाएं क्या क्या ना खाएं, यह जानकारी आपके बीच में साझा किया जाएगा ताकि मर्दानी ताकत जो है वह बना रहे और आप अपने पार्टनर को खुश कर सके। जी हाँ दोस्तों, तो आज आपके बीच में जानकारी यही देना चाहेंगे कि क्या खाने से फ़ायदेमंद साबित होगा और क्या खाने से नुकसान देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको होता क्या है कि अक्सर यह देखा गया है इस तरह से कि अगर कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह से देखा गया है कभी कभी कि आप कोई वैसा चीज़ खा लेते हैं जिसके चलते आपके स्पर्म की क्वालिटी जो है वह लो पड़ जाती है और आपके पार्टनर को खुशी तो देती है लेकिन वहीं पर अगर उनके साथ रिलेशन बनाने के बाद सेक्स रिलेशन बनाने के बाद होता क्या है कि आप फर्टिलिटी के लिए सेक्स रिलेशन बनाते हैं तो आपका स्पर्म जो है वह जाइगोट में जाकर बहुत बहुत बढ़िया तरह से मार नहीं कर पाता, इसी कारण से बच्चा कमज़ोर या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम जो है होती है आजकल के दौर में वह हो जाती है। तो चलिए आज जानेंगे कि क्या खाएँ ताकि आप इम्यून रहें बूस्ट रहें। तो चलिए दोस्तों बता दें कि संभोग से पहले क्या क्या ना खाएँ। तो चलिए दोस्तों आज बता दें कि सबसे पहला बात बता दें कि संबंध बनाने से पहले अल्कोहल यानी शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। जी हाँ, अक्सर आप देखते होंगे दोस्तों कि बहुत सारे लोग हैं कि मूड बनाने के लिए शराब का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं। आप शराब पीकर आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने चल जाते हैं, यह कभी ना जाए दोस्तों। फिर अगला फैक्ट, दूसरा बात कि संभोग से पहले कॉफ़ी भी नहीं पीनी चाहिए। संभोग से पहले कॉफ़ी यानी जिस तरह से चाय वगैरह पीते हैं उसी तरह से कॉफ़ी सेक्स करने यानी संबंध बनाने से पहले संभोग करने से पहले आप कॉफ़ी ना पिए तो बेटर रहेगा। फिर तीसरी बात बता दें कि रात के समय बेड पे जाने से पहले फलों का सेवन भी गैस का परेशानी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी बात देखते होंगे कि बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि अगर आप कुछ वैसे फल हैं जिनका सेवन करने से आपकी ताकत इम्यून सिस्टम जो है वह बरकरार रहेगा, आपको मर्दानी ताकत की कमी महसूस नहीं होगी, तो आप उस फल का सेवन करते हैं वह फल का सेवन ना करें। आपको रात के समय बेड पे जाने से पहले फलों का सेवन भी गैस का प्रॉब्लम बना सकती है दोस्तों। फिर आगे बता दें दोस्तों कि चौथा बात कि सोया से बने प्रोडक्ट्स का सेवन ना करें, यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के संतुलन के लिए सही नहीं है। यानी आपको बता दें दोस्तों कि जो मेल में जो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन के चलते स्पर्म स्पर्मेटोजोआ से निकलती है, तो वह हार्मोन में थोड़ी सी बहुत कमी आने लगती है जब सोया प्रोडक्ट यानी सोयाबीन का प्रोडक्ट आप सेवन ना करें। सेवन करके अगर आप सेक्स करते हैं तो थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और यह संतुलन के लिए सही नहीं है दोस्तों। तो सोया से बने प्रोडक्ट आप सेवन ना करें तो बेटर रहेगा। फिर पांचवा फैक्ट बता दें कि फूलगोभी और ब्रोकली खाने से गैस बनाता है जो कि संभोग के समय परेशानी आपको खड़ी कर सकता है। तो बताइए दोस्तों आपको यह कैसा लगा छोटी सी वीडियो, लेकिन बहुत सारी नॉलेज इसमें भरी होती है जो आप लोग के बीच में साझा किया जाता है ताकि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मस्त रहें और अपना हर जगह 100% योगदान दें ताकि आपकी लाइफ बेहतरीन रहे, खुशीमय हो और आप स्वस्थ रहें, संतुष्ट रहें दोस्तों। तो कैसी लगी जानकारी यह ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप नए हैं ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, बहुत सारी नॉलेज आपको अलग दुनिया से थोड़ा हट के नॉलेज मिलेगी इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, गुप्ता हेल्थ फाउंडेशन, आपका अपना दोस्त। जरूर जुड़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। धन्यवाद।